तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पूजा भी होगी है और दोस्तों अभी हमारी चाय भी आ गई सुबह की। वैसे मैं पहले पानी पी लिया था तो चाय अभी मैंने बाद में बनाई है। मौसम देखो भाई, चाय के साथ कितना प्यारा मौसम हो रखा है। पहले क्या होता था ना, बच्चों के बैग भारी होते थे, अब क्या हो रहा है सरकार ने भी थोड़े बच्चों के बैग क्या हल्के कर दिए। बाय 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 बाय। पूरा सामान इधर इतना कचड़ बचड़ हो रखा ना। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, जितने सुबह के बर्तन थे ना इतने मैंने धो दिए हैं। इसमें कुछ डाल रखे अभी निखारने के लिए, इनको सबको इसमें डाल दूंगी ना, क्योंकि बाद में फिर पानी निखर जाएगा, फिर ऊपर स्टैंड पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग क्वांट ब्लॉग में। तो दोस्तों नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग हो गई है देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर गोपेश्वर से। तो बस अभी लगभग 2 बज रहा है और सुबह से आप लोगों को पता ही है मैं आज 5 बजे उठ गई थी। पूरा कमरा साफ करा, जितना भी कचड़ बचड़ था सबको ठीक करा। अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला, अभी नहा के आई हूँ मैं छत में और खाना भी बन गया। टाइम भी पता 2 के आसपास हो गया। अभी अनन्या लोग भी आ गए हैं स्कूल से, तो अभी मैंने का पहले ना लेती हूँ और फिर थोड़ा वेलकम नहीं करा था ना आगे तक ब्लॉगिंग की, तो मैंने सोचा थोड़ा पहले वेलकम कर लेती हूँ फिर जाके खाना खुना खाते हैं ना, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है मेरा। मेरे को क्या होता है ना कि जब तक ब्लॉग का बनाती नहीं हूँ तो मेरे को एक है थे ना कीड़ा होता है, वैसा कीड़ा है ब्लॉगिंग का। मेरे को अच्छा लगता है यार, अपनी यादगार चीज़ें रहती है ना कि हम जब इस चीज़ को हम 2-10 साल बाद देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो वही सारी चीज़ें ना एक मेमोरीज होती है, वो इकट्ठा करना मेरे को सही लगता है। और अभी जाके थोड़ा मैंने कमरा ठीक ठाक करा, मतलब तो मेरा बेड इधर से उधर खिसकाया और मॉर्निंग से वही हो रहा है। सो मैंने सोचा आज चलो आज पूरी मॉर्निंग रूटीन वाली ब्लॉग ही बना देती हूँ और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी बज रहे सुबह का 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह आज स्कूल खुल गए ना बच्चों की, तो सुबह ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है। तो पहले मैं 16 आटा गूंद देती हूँ, तब तक ये अनन्या लोग अपना हाथ मुंह धो लेंगे। और अभी मैंने मुंह भी नहीं धो रखा, मतलब थोड़ा सा पानी लगाया है मुंह पे, आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी लग रही है। सुबह हर लेडीज़ का यही होता है कि भाई सुबह उठो और किचन में घुसो और जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाओ। और आज मैं आप लोगों को डेली रूटीन वाला ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो जितना भी मैं क्या करती हूँ सुबह से शाम तक, कितना काम करती हूँ क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी पहले सुबह तो मेरा यही काम होता कि भाई सुबह उठो और पहले नाश्ते में क्या बनाया जाए और गुन्नू के लिए टिफ़न में क्या दिया जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, कभी अनन्या बोलती है कि पराठे बनाओ, कभी सब्जी बनाओ और उसके साथ क्या देना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी मैंने आटा निकाल दिया यहाँ पर, पहले मैं आटा गूंदूंगी थोड़ा सा ही अपने लिए, बाद में बनाऊँगी, आटा गूंद के रख दूँगी। तो अभी मैंने आटा भी गूंद गया है, तो इसमें मैं 2 परांठे अनन्य के लिए बनाऊंगी, एक अभी खाने के लिए, एक स्कूल के लिए बनाऊंगी। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी अन्नू भी तैयार हो गई है, अन्नू के पापा भी तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। और आज मौसम बहुत ही मतलब वैसा हो रखा है, ठंडा वाला मौसम हो रखा है बाहर। और अभी सुबह का ना 6 बज रहा है, तो ये है भाई सुबह 6 बजे मौसम के हाल चाल ऐसे हो रखे हैं। ये उसको नीचे करो, उसको भी नीचे करो। दोस्तों अभी हमारी चाय भी आ गई सुबह की। वैसे मैं पहले पानी पी लिया था, तो चाय अभी मैंने बाद में बनाई है, क्योंकि सबके साथ ना फिर चाय पीने का भी मन करता है। और मौसम देखो भाई, चाय के साथ कितना प्यारा मौसम हो रखा है। बेटू इसको खोलना जरा, सोनू किट्टू इसको खोल, यू आर रेडी नाउ। हाँ हो गया, थकान सी लग रही है आपको? हो गया। 10। अरे
पहले क्या होता था ना, बच्चों के बैग भारी होते थे, अब क्या हो रहा है सरकार ने भी थोड़े बच्चों के बैग क्या हल्के कर दिए, तो पीछे ना बेटो बैग अब हल्के हो रहे, पहले अनन्या उठा नहीं पाती थी, इतना ज्यादा भारी होता था। बाय 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 बाय। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पूजा भी होगी है और सारे लोग जय कर दो गणेशा जी को और सारे भगवान जी को जय कर दो, और भगवान करे सबकी इच्छा पूर्ण हो, जो भी जो चीज़ चाहता होगा उसको वो चीज़ मिले, और भगवान करे सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अब बनाती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा नाश्ता भी आ चुका है, इसमें मैंने दो पराठे बनाए हैं, आलू और बड़ी की सब्जी है और चाय है। तो जल्दी से खाती हूँ ना, सुबह जैसे सुबह उठते हैं ना जल्दी जल्दी तो फिर भूख लग जाती है, तो अभी मेरा नाश्ता हो रहा। अनन्या लोग तो सुबह स्कूल चले गए थे, पर अब मैंने सोचा चलो यार अब मुझे तो हमेशा सुबह का नाश्ता ना अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों तो सुबह चले जाते हैं, और मैंने उनके लिए रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, और कह रहे थे कि पराठे नहीं बनाने वाले, क्योंकि आजकल दो चार दिन से रोज़ हम घी के पराठे खा रहे भाई, तो अनन्या को बड़ी की सब्जी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कल बनाई थी बड़ी की सब्जी, और सुबह में भी बनाई थी तो थोड़ी बच रखी थी, कल नमक इतना ज्यादा हो गया सब्जी में, बाप रे। मैंने ना सफाई अभियान चला रखा है, पूरा सामान इधर इतना कचड़ बचड़ हो रखा ना, तो मैं सोच रही हूँ जो भी अनन्या की बुक है ना सारी यहाँ रखूंगी, और इसने पता क्या कर रखी है, फोर्थ की बुक्स भी और फाइव की बुक्स भी सारी मिक्स कर रखी है, तो सारा ना कचोड़ वचोड़ हो रखा है, पूरा सामान इतना अस्त व्यस्त हो रखा है ना, तो मैं सोच रही हूँ आज इसको पूरा ढंग से रखूंगी और अच्छे से रखूंगी यार, नहीं तो पूरा सामान ना इतना मैसी मैसी सा हो रहा है, और इनको पूरे छांट छूट के जो भी सामान होगा अच्छे से रखूंगी अभी। तो दोस्तों सारा काम होके अभी मैं कर रही हूँ पोछा, और अभी खाना खुना बनाना है, क्योंकि अनन्या लेने का टाइम भी होने वाला है, सुबह से जितना भी कचड़ वचड़ कर रखा था ना सब जाके अभी थोड़ा सा सही कर रहा है, ये दोनों देखने इतने ज्यादा कपड़े इनको भी फोल्ड कर रहा है, ओ भाई मेरी तो आज बैंड बज गई सच में कह रही हूँ मैं। वे बेड भी सही कर दिया मैंने, और अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, और ये कम्बल मैंने परसों निकाल दी, क्योंकि वो वाली थी ना वो पैक कर दिए, क्योंकि उसमें ठंडा हो रहा था, क्योंकि मौसम देखो भाई ऐसा ऐसा ही बदल रहा है मौसम। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, जितने सुबह के बर्तन थे ना इतने मैंने धो दिए हैं, इसमें कुछ डाल रखे अभी निखारने के लिए, इनको सबको इसमें डाल दूंगी ना, क्योंकि बाद में फिर पानी निखर जाएगा, फिर ऊपर स्टैंड पे लगाऊंगी, और मैंने कम थालियाँ निकाल रखी है ना, जितनी जैसे बर्तन ज़्यादा निकालो ना तो क्या होता है कि फिर वो ज़्यादा ही हो जाते हैं, फिर जितना ही ज़्यादा निकालो उतने ज़्यादा कम ही लगते वो बर्तन, फिर ज़्यादा जूठ हो जाते हैं, तो मैंने जितने मतलब यूज़ किए हैं बस हमारे उतने ही निकाल रखे हैं। खाना भी बन चुका है यार, खाने में बनाया आज कढ़ी चावल, क्योंकि बहुत दिन से ना हमारा खाना वो ऐसे ही हो रहा था शॉर्टकट में, कभी खिचड़ी बन रही कभी पुलाव बन रहा, कुछ ऐसे मतलब मन नहीं कर रहा था ना, जैसे घर में रहते हैं तो लेट नाश्ता करते तो फिर ज़्यादा मन ही नहीं करता खाने का, तो आज मैंने कढ़ी बना दी और बहुत ही टेस्टी लग रही है, मन कर रहा ना जल्दी से खा लूँ, और अभी जाके मेरा पूरा इधर काम हुआ था जितना भी सफाई वगैरह सब हो गई है, और सुबह से वही काम हो रहा, जितने बजे से उठी हो ना उतने बजे से एक मिनट भी अभी सेकेंड अभी नहाना है, अभी मेरा नहाना नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से लगी थी मैं, जितने भी बाहर कबाड़ कुबाड़ थे ना सबको मैंने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया है, एक ही वाली अलमारी यहाँ पे थी ना मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि वो हॉच पॉच हो रहा था ना, और यहाँ पे जगह भी नहीं हो रही थी, और ये वाली अलमारी भी मैंने थोड़ी सही कर ली है, और इसमें जो छोटे बड़े कपड़े थे ना तो ये मैंने मीशो से मंगा रखे थे दो बॉक्स, तो इसको भी यहाँ पे लगा दिया, इनमें कपड़े डाल दिए हैं, और ये लोग भी आ गए स्कूल से, तो खाना भी बन चुका है, इसके पहले मैं थोड़ा नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी सकल में 12 बजी हुई है, और पहले खाना बना के ना नहाती हूँ फिर सही होता खाना खाने का, नहीं तो जैसे पहले खाना खाओ फिर नहाने का मन नहीं करता ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना खुना बन जाएगा फिर उसके बाद नहाती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उन।